अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। खबर शामिल करते हैं डोंगा मोंगा से। हमारे रिपोर्टर शहजाद कमल की रिपोर्ट के मुताबिक राव समीउल्लाह ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इजलास बुलाया, जिसमें अनीस भट्टी, जुबैर अलवी, सुल्तान अमान, राव काशिफ, राव इकबाल, राव वकील राशिद, राव तारिक गुज्जर, शाहिद रमानी, सद्दाम शेख, शाहिद जोड़ मोहम्मद, इमरान मोहम्मद खालिद, जाहिद गौरी, देगर इमरान मौजूद थे। इस मौके पर राव समीउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। एक तरफ माशी बहरान है तो दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से महंगाई अपने उरूज पर है। इन सब बहरानों से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान 6 हलकों से कामयाब हुए, जो इस बात का आकाश है कि अवाम इमरान खान के साथ है और अगले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। PDM की जमातें ये बात भी जानती हैं कि इमरान खान के साथ है, इसलिए वो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही हैं। लेकिन इस बार इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान भर से अवाम निकलेगी और डोंगा बोंगा से बहुत तादाद में मेरी टीम जाएगी इस्लामाबाद। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस बार लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा।